हेलो एंड वेलकम टू कंप्लीशन कम्युनिटी। मैं विकास सिंह। आज हम लोग बात करने वाले हैं हिमालय के दूसरे भाग के बारे में। इससे पहले हिमालय के बारे में हमने बहुत सारी बातें कर लिया था, तो ये आप देख रहे हैं सामने में ब्लैंक मैप है। और मैं पहले क्या करूंगा कि पीछे के क्लासेस को एक बार आपको रिविजन करा दूंगा थोड़ा, फिर मैं आज के क्लासेस को आगे बढ़ाऊंगा। इससे क्या होगा कि एक कनेक्टिविटी हमारी और आपकी बन जाएगी, इस क्लास की कनेक्टिविटी बन जाएगी, तब आप जाकर के आप आगे क्लास आज समझ में आएंगे, ठीक है। और जो भी चीजें हम बताएंगे वो सब कुछ आपको स्लाइड में लिखा हुआ मिलेगा, हम उसको भी एक बार देख लेंगे, अगर कुछ चीजें छूट जाएगा तो वो हम आपको लिखवा देंगे वर्बली, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम लोग हिमालय के बारे में बात जब कर रहे थे तो हमने आपको बताया था कि यहाँ पे ये काराकोरम रेंज है, ये यहाँ पे लद्दाख है और ये यहाँ पे जास्कर है। ये बातें हमने आपको बताया था, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर रेंज, ठीक है। ये देखो, ये काराकोरम है, ये लद्दाख है और ये जास्कर है, और ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत हम लोग बात किए थे इसको, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत इसको हम लोगों ने बात किया था, ठीक है। चलिए, उसके बाद हमने कहा था कि मैं महान हिमालय को अलग तरीके से कर दूं। उसके बाद हमने आपको बताया था कि ये महान हिमालय है, महान हिमालय, और हमने आपको कहा था कि महान हिमालय नंगा पर्वत से लेकर के नमचा बरवा तक फैला हुआ है, नंगा पर्वत से लेकर नमचा बरवा तक, ये बात हमने आपको बताया था। फिर हमने बताया था आपको कि ये मिडिल हिमालय है, ठीक है, और ये आउटर हिमालय है, यानी कि जिसको शिवालिक हिमालय भी कहते हैं। तो ये हिमालय का ये पॉइंट था, इसके बारे में भी हमने आपको चर्चा किया था, ठीक है। जैसे ये महान हिमालय है, ये जो ऊपर में है महान हिमालय, ठीक है, ये मिडिल हिमालय है, और ये आउटर हिमालय, है ना, कुछ इस तरीके की बातें थी। उसमें हमने आपको बहुत सारे पीक्स के बारे में बात किया था कि इंपॉर्टेंट पीक है। हमने कहा था कि ईस्टर्न हिमालय इज हायर देन वेस्टर्न हिमालय, जो ऊंचाई है ना पूर्वी हिमालयों का वो ज़्यादा है वेस्टर्न हिमालय से। फिर हमने आपको बताया था कि पश्चिमी हिमालय ज़्यादा चौड़ा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, इन कंपेरिजन टू ईस्टर्न हिमालय, पूर्वी हिमालय के कंपेरिजन में पश्चिमी हिमालय ज़्यादा चौड़ा है। और भी बहुत सारी बातें की थी, हिमालय की चौड़ाई 2400 किलोमीटर है, ये सारी बातें हमने आपके साथ किया था। आज हम लोग उसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और हम यहाँ पे दो तीन बातें मुख्य रूप से आपके साथ करने वाले हैं। एक तो पूर्वांचल की पहाड़ी या नॉर्थ ईस्टर्न रेंज के बारे में बात करेंगे, पूर्वांचल की पहाड़ी के बारे में या नॉर्थ ईस्टर्न रेंज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम आपको बताते हैं, देखिए सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा। पूर्वांचल की पहाड़ी, जैसा कि नाम से आप समझ सकते हैं कि ये पूर्व के जो हमारे राज्य हैं, उत्तर पूर्व के जो हमारे राज्य है वहां पर जो पहाड़ियां फैली हुई हैं उसको लेकर के हम इसको पढ़ते हैं। तो उत्तर पूर्व के राज्य में जो पहाड़ियां हैं हम उनको एक बार देखते हैं, मैप पे लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, लिखने की आप परेशानी मत देखिएगा। और उसके बाद अगर कुछ उसमें कुछ पॉइंट है तो वो हम आपके साथ शेयर करते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले तो हम अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे चूंकि देखो ये पूरा ब्लैंक है इंडिया का, ठीक है, आपको भरना है कि ये कौन सा स्टेट है। जैसे कि हमने आपको क्या बताया था, ये लद्दाख है, ये J&K है, ये आपको पता है कि पंजाब है, ये हिमाचल प्रदेश है, ये UK है, ये हरियाणा है, तो बाकी को आपको भरना है कि ये क्या है। अब हम इधर चलते हैं, ठीक है। मैंने जानबूझकर के ब्लैंक मैप दिया है ताकि आप इसके साथ दिमाग लगा सके, आपको याद रहे ज्यादा से ज्यादा। देखिए, ये अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी पहाड़ी है इसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखो, अरुणाचल प्रदेश में आपको मिलेगा बिल्कुल ही यहाँ पे कॉर्नर पे, इस जगह पे पटकाई बूम,
इस जगह पे एक पहाड़ी मिलेगा, ये है पटकाईगुन अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में ही एक और पहाड़ी मिलेगा बिल्कुल इस जगह पे, ये है मिसमी, मिसमी। कौन सी पहाड़ी है? मिसमी। यहीं पे आपको एक पहाड़ी मिलेगी अरुणाचल प्रदेश में, डाफला। क्या है? डाफला। अरुणाचल प्रदेश में ही पहाड़ी मिलेगी आपको इस जगह पे, वो है एबोर, एबोर। तो अरुणाचल प्रदेश में जो कि आपको दिखाई दे रहा है, ये अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में हिमालय का भी पार्ट है आप देख रहे हैं। तो जो अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो पूर्वांचल की पहाड़ी, आप लोग अपने हेडिंग में जो अपने कॉपी में हेडिंग बनाएंगे उसमें पूर्वांचल की पहाड़ी लिख करके हेडिंग बनाएंगे। हालांकि मैं सब कुछ लिखा हुआ हूँ बिल्कुल अरेंज तरीके से, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ मैप पे देखिए कि कहाँ पे क्या मिल रहा है, इस चीज को देखिएगा, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश का ये इलाका है जहाँ पे डाफला, एबोर, मिसमी, पटकाईगुन जैसे रेंज मिलते हैं, जैसे हिल्स मिलते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हिल्स जैसे शब्द का प्रयोग नहीं किया हूं, तो लिख भी देता हूं मैं, ठीक है, पक्का ना? चलिए, अरुणाचल प्रदेश से जब हम आगे आते हैं तो यहां पे हमें नागालैंड है, और नागालैंड में आपको मिलेगा, यह नागालैंड है, और नागालैंड में आपको मिलेगा नागा हिल्स। नागालैंड में क्या मिलेगा आपको? नागा हिल्स, अरुणाचल प्रदेश के नीचे नागालैंड है। उसके बाद ठीक है, यहाँ पे मणिपुर है, और मणिपुर में आपको मणिपुर हिल्स मिलेंगे, मणिपुर हिल्स, मणिपुर हिल्स, मणिपुर हिल्स मिलेंगे आपको मणिपुर में। और मणिपुर में ही आपको दुनिया का कह सकते हैं और भारत का भी एकमात्र तैरता नेशनल पार्क मिलेगा, जिसका नाम है केबुला लामजाओ। केबुल लामजाओ तैरता पुआ नेशनल पार्क है, जो कि लोकटक लेक पे है मणिपुर स्टेट में, याद रखिएगा इस बात को। तो मणिपुर में आपको मणिपुर हिल्स मिलेगा, और जो बात मैंने आपको बताया लोकटक लेक और केबुल लामजाओ फ्लोटिंग नेशनल पार्क के बारे में, ये बात भी आप नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में, लिखा हुआ तो आपको जरूर मिल जाएगा, ठीक है। एग्जाम का क्वेश्चन भी कई बार बन जाता है। नीचे मिजोरम है, मिजोरम में आपको मिल जाएगा मिजो हिल्स। मिजोरम में क्या मिल जाएगा? मिजो हिल्स। यहाँ पे आपको देख लीजिएगा कि ये असम है, और असम में आपको ये मिकिर हिल, मिकिर हिल्स, असम में एक हिल कौन सा मिलेगा? मिकिर हिल्स, याद रखिएगा, असम में एक हिल मिलेगा मिकिर हिल्स। और ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो यहाँ पे है ये मेघालय है, ठीक है ना, ये मेघालय है, और मेघालय में यहाँ पे शिलोंग की प्लाटेऊ है, ये मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। तो शिलोंग का पठार है, और यहाँ पे तीन हिल मिलेंगे, बड़ा फेमस है, आप नाम जानते हैं तीन हिल का, बहुत फेमस है, ठीक है, गारो, खासी और जयंतिया। गारो, खासी और जयंतिया, ये यहाँ पे मेघालय में मिलेगा। तो ये जो आपको पूर्वांचल की पहाड़ी का रेंज देखा है ना, ये पूर्वांचल की पहाड़ी का रेंज है जो यहाँ पे हमने आपको लिखा है। यहाँ पे एक बात ध्यान में रखने वाली बात क्या है, वो मैं आपको पहले समझा दूं कि मेघालय जो है ना वो पूर्वांचल की पहाड़ी का पार्ट नहीं है, पढ़ते हम पूर्वांचल में है, क्योंकि चूंकि ये नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है तो इस वजह से हम यहाँ पढ़ लिए हैं, लेकिन ये पूर्वांचल की पहाड़ी का रेंज नहीं है। ये दरअसल छोटा नागपुर की जो पहाड़ी है, जो कि बिल्कुल क्या बोलते हैं, झारखंड, ये जानते हैं ना झारखंड है, तो छोटा नागपुर की जो पहाड़ी है, छोटा नागपुर की पहाड़ी का विस्तारित भाग है ये पूर्वांचल की पहाड़ी। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि पूर्वांचल, सॉरी, मेघालय की पहाड़ी या शिलोंग का पठार, तो शिलोंग का पठार छोटा नागपुर के पहाड़ का एक एक्सटेंडेड पार्ट है, एक विस्तारित भाग है। ये बीच में जहां पे आपको पहाड़ी नहीं दिख रहा है ना, इस जगह पे
इस जगह पे जो आपको पहाड़ी आपको नहीं दिख रहा है, ये दरअसल गंगा और ब्रह्मपुत्रा के लाए गए और जो अवसाद है उसके डिपॉजिट करने से यहाँ पे मैदान हो गई है, लेकिन ये पहाड़ी है और ये छोटा नागपुर के पहाड़ी का भाग है, इसका भाग ये है, ठीक है ना, समझ में आ गया। छोटा नागपुर के पहाड़ी का भाग कौन सा है, मेघालय का पठार है या शिलोंग का पठार है। कभी भी आप पूर्वांचल की पहाड़ी में शिलोंग के पठार को नहीं जोड़ेंगे, एग्जाम में गलती हो जाएगा आपका। शिलोंग के पठार के बारे में या गारी खासो गारो खासी जयंतिया के बारे में एक और पॉइंट ये कहा जाता है कि ये क्या बोलते हैं, पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है या प्रायद्वीपीय भारत का पार्ट है, ये भी बात कहा जाता है एग्जाम में। तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, कभी भी गलती मत कीजिएगा मेघालय को लेकर के, कभी भी गलत आप नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये पूर्वांचल के हिल्स के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे बात कर लिया। तो आपने क्या देखा कि हमने ट्रांस हिमालय के बारे में काराकोरम लद्दाख जास्कर ये कर लिया, उसके बाद यहाँ पे हमने आपको महान हिमालय की बात कर लिया, महान हिमालय ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और बाहरी हिमालय या आउटर हिमालय जिसको शिवालिक हिमालय भी कहते हैं, ठीक है, इसको हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये पार्ट हमने कर लिया और ये पूर्वांचल की पहाड़ी के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। अब यहाँ पे एक चीज और मैप के साथ आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और मैं उस चीज को थोड़ा सा आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, उसको बड़ा गौर से देखिएगा। दरअसल हिमालय को जब हमने पढ़ा तो हमने क्या देखा कि हिमालय को जिस समय हमने पढ़ा था तो हिमालय को उत्तर से दक्षिण तक के विस्तार के रूप में हमने इसको पढ़ा। कैसे, देखिए, सबसे नॉर्थ में हमने हिमाद्री हिमालय या महान हिमालय के बारे में बात किया, उसके बाद हमने मध्य हिमालय के बारे में बात किया या हिमाचल हिमालय के बारे में बात किया, उसके बाद हमने आउटर हिमालय या शिवालिक हिमालय के बारे में बात किया। तो ये सबसे नॉर्थ था, ये मिडिल है और ये साउथ है, यानी कि नॉर्थ से साउथ तक की हिमालय का जो रेंज है हमने उसके बारे में बात किया, उसके बारे में बहुत सारे पॉइंट्स हमने आपको लिखाए भी, बहुत सारी चीजें की। अब हम क्या करते हैं कि हिमालय के एक और डिवीजन है जो पश्चिम से पूर्व की तरफ है, हिमालय का एक डिवीजन को हम पश्चिम से पूर्व की तरफ देखते हैं और वो डिवीजन किस तरीके से है वो जरा हम देखने की एक बार कोशिश करते हैं। तो वो डिवीजन कुछ इस तरीके का है कि मैं आपको मैप पे आपको दिखाता हूं, ठीक है। तो वो डिवीजन कुछ इस तरीके का है कि मैं आपको एक बार मैप पे दिखाता हूं। देखो, मैंने आपको ये चीज, ये सिंधु नदी है, याद रखिएगा, ये सिंधु है, इंडस, ये इंडस रिवर है, याद रखिएगा इस बात को, इंडस है, और इंडस के पास से ही एक नदी निकलती है, इंडस के पास से ही एक नदी निकलती है जिसका नाम है सतलज। तो ये सतलज है, याद रखिएगा, तो ये सतलज है और इंडस है। तो इंडस से सतलज के बीच में जो हिमालय का ये आपको दिख रहा है रेंज, ठीक है, इंडस से सतलज के बीच में जो हिमालय का ये रेंज दिख रहा है, इसको कहा, मैं थोड़ा थोड़ा मिटाते हुए चलता हूं, ठीक है, इसको कहते हैं कश्मीर या पंजाब हिमालय। तो यहां पर लिख देता हूं मैं, तो क्या कहा, इंडस से सतलज के बीच में कश्मीर या पंजाब हिमालय, ठीक है, मैं एक बार अच्छे से मिटा करके इसको करता हूं, ठीक है। तो इंडस से सतलज के बीच में कश्मीर या पंजाब हिमालय, ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया सतलज, सतलज से लेकर के काली नदी के बीच में, मैं एक काली नदी बनाता हूं, बिल्कुल बॉर्डर है, ये है काली नदी, ठीक है, ये क्या है, काली नदी है। तो यहां पर मैं आपको मिटाता हूं,
सतलज से लेकर के काली नदी के बीच में जो हिमालय कहलाता है उसका नाम है, उसका नाम है कुमायूं हिमालय। कुमायूं, कुमायूं हिमालय, ठीक है ना, याद रखिएगा इसको। क्या नाम है इसका? कुमायूं हिमालय। सतलज से काली के बीच के हिमालय को क्या नाम है? कुमायूं हिमालय। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम जरा हिमालय के बंटवारा को देख रहे हैं, फिर काली से लेकर के तिस्ता, ये तिस्ता है, ये क्या, कौन सा नदी है? तिस्ता। तो काली से लेकर के और तिस्ता नदी के बीच का जो हिमालय है इसको कहते हैं नेपाल हिमालय। नेपाल, नेपाल हिमालय। और ये सबसे बड़ा पार्ट है, ये जो मैं बांट रहा हूं ना उसमें सबसे बड़ा पार्ट इसी हिमालय का, यानी कि 800 किलोमीटर लंबाई है नेपाल हिमालय का, सबसे बड़ा पार्ट इसी हिमालय का। सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा, परेशानियों से देखिए। काली से लेकर के और तिस्ता के बीच में जो हिमालय है वो सबसे लंबा हिमालय है और जिसको हम नेपाल हिमालय कहते हैं। नेपाल हिमालय ये सबसे बड़ा पार्ट है। आपने देखा ना कि 2400 किलोमीटर लगभग हिमालय की लंबाई है, जिसमें से एक तिहाई पार्ट सिर्फ नेपाल हिमालय के पास में है। उसके बाद हमने आपको हम आपको क्या बता रहे हैं, तिस्ता से लेकर के ब्रह्मपुत्रा, देखो ये ब्रह्मपुत्रा इधर से आती है और इस तरीके से यू टर्न लेती है और हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करते हुए ऐसे यहाँ पे चली आती है। तो ये कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा नदी है, कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्रा। तो तिस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्रा नदी के बीच के जो हिमालय है उसको असम हिमालय कहते हैं। मैं जरा एक बार मिटा दूं और लिख दूं कि इसको क्या कहते हैं। इसको असम हिमालय कहते हैं। तो हिमालय का एक बंटवारा ऐसा भी है जहां पे इंडस से लेकर के सतलज को कश्मीर या पंजाब हिमालय कहते हैं, ठीक है, सतलज से लेकर के काली तक को कुमायूं हिमालय कहते हैं, काली से लेकर तिस्ता तक को नेपाल हिमालय कहते हैं और तिस्ता से ब्रह्मपुत्रा तक को असम हिमालय कहते हैं। ये भी हिमालय का एक बंटवारा है जो कि हमने आपको यहाँ पे बताया है, जो अपने कॉपी में आप लिखेंगे, हालांकि लिखा हुआ सब मिल जाएगा, मैं एक बार आपको मैप पे दिखा चुका हूँ मैप पे। तो हमने आपको क्या बताया, मैंने आपको शुरू में कहा कि ये काराकोरम, लद्दाख और जास्कर है जो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत है। फिर हिमालय के बारे में बताया, महान हिमालय, मिडिल हिमालय, आउटर हिमालय, इसके बारे में बताया। और उसके फिर इसके बाद फिर हमने पूर्वांचल की पहाड़ियों के बारे में बात कर लिया, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी पहाड़ी है। हमने बताया कि मेघालय की जो पहाड़ी है यानी कि शिलोंग का जो पठार है इज द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत का भाग है, ये बात हमने बताया, जिस पर गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां हैं। फिर हमने हिमालय के बंटवारे के बारे में बताया कि इंडस से लेकर के और सतलज नदी के बीच में जो महा हिमालय है उसको कश्मीर या पंजाब हिमालय कहते हैं, फिर सतलज से लेकर के काली तक की जो हिमालय उसको कुमायूं हिमालय कहते हैं, और उसके बाद फिर काली से लेकर तिस्ता तक के जो हिमालय उसको नेपाल हिमालय कहते हैं, हिमालय में सबसे लंबा है, और तिस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्रा के बीच में जो हिमालय है उसको असम हिमालय कहते हैं। अब ये सारा पॉइंट आपको लिखा हुआ मिल जाएगा यहाँ पे, देखिए ठीक है। पूर्वांचल का रेंज हमने कहा था एक्सटेंडेड पार्ट कहाँ, नॉर्थ टू साउथ है। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं, एक चीज और ध्यान में रखिएगा, ये जो पार्ट मैंने आपको बताया यहाँ पे एक आराकान योमा है। आराकान योमा क्या है लिख देता हूं, आराकान योमा, ठीक है, आराकान योमा है और ये म्यांमार है, तो और ये इंडिया है, आपको पता है ये बांग्लादेश है। तो भारत को, ये भी इंडिया का ही पार्ट है बेटा। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि म्यांमार को भारत से कौन अलग करती है, तो आराकान योमा, याद रखिएगा ये आराकान योमा की पहाड़ी,
ठीक है, अराकान योमा की पहाड़ी म्यांमार को भारत से अलग करती है, इस बात को याद रखिएगा, या जैसे भी आप देख लीजिए अराकान योमा, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे कुछ बातें मैंने आपको लिखा है, उसको ध्यान दीजिएगा कि पूर्वांचल रेंज कहाँ नॉर्थ टू साउथ फैला हुआ है। आपने देखा कि अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन है, डापला, मिकीर, एवोर, मिसमी, पटकाईबुम, हमने पूरा फिगर बता दिया है कि कहाँ पर कौन सा है। नागालैंड में नागा हिल्स है, मणिपुर में मणिपुर हिल्स है, लोकटक लेक जो कि हमने बताया कि केवला लामजाओ जो नेशनल तैरता हुआ नेशनल पार्क है, मिजोरम में मिजो हिल्स है, मेघालय में प्लाटेऊ ऑफ शिलोंग, गारो खासी जयंतिया, और ये भी बात मैंने बता दिया कि इट इज द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, यानी प्रायद्वीपीय भारत का भाग है, छोटा नागपुर पठार का भाग है, ये बात हमने बताया। असम में बड़ैल हिल्स, मिकिर हिल्स, जो काजीरंगा का जो पार्क है वो मिकिर हिल्स पे ही है, ये बात असम में है। अराकान योमा रेंज सेपरेटेड म्यांमार फ्रॉम इंडिया, ये बात हमने आपको बताया कि अराकान रेंज जो है ना भारत म्यांमार को भारत से क्या करती है, अलग करती है, म्यांमार को भारत से क्या करती है, अलग करती है, ये बात हमने यहां पे आपको बताया। चलिए अब आगे अगर हम बढ़ते हैं इसको तो आगे देखते हैं कि डिवीजन, जो डिवीजन हमने मैप पे आपको बताया था वो डिवीजन यहां पे हमने लिखा है, कश्मीर या पंजाब हिमालय इंडस से सतलज के बीच में, कुमायूं हिमालय सतलज से काली के बीच में, नेपाल हिमालय काली से तिस्ता के बीच में, और ये सबसे लंबा हिमालय है 800 किलोमीटर का, ये बात हमने बताया था। असम हिमालय तिस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में, तो ये जो बंटवारा है हिमालय का ये पश्चिम से पूर्व की तरफ की बंटवारा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इससे पहले जो आपने हिमालय का बंटवारा पढ़ा था, महान हिमालय, मिडिल हिमालय और आउटर हिमालय, ये नॉर्थ टू साउथ का हिमालय की बंटवारा को आपने पढ़ा था, ठीक है। चलिए पासेस ऑफ हिमालय के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, यानी कि हिमालय के जो दर्रे हैं उसके बारे में बात करते हैं, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो हमने यहाँ पे सजा दिया है इंपॉर्टेंट पासेस को कि कहां पर कौन से स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में कौन सा पास है, इंपॉर्टेंट पासेस को सिर्फ बात हमने किया है। तो देखिए लद्दाख में काराकोरम और जोजिला पास है, यहां से एग्जाम का क्वेश्चन पूछते हैं। जेएनके में बनिहाल, बुरजिल और पीर पंजाल, यहां से बनिहाल पास से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जेएनके से बनिहाल, बुरजिल और पीर पंजाल पास है। हिमाचल प्रदेश में सिपकिला, रोहतांग, बारालाचा पास है। आपने रोहतांग और बारालाचा पास जब आप नदी पढ़ेंगे तो आप वहां देखेंगे कि यहां से नदियां निकलती हैं, इंपॉर्टेंट, ठीक है। उत्तराखंड से माना नीति लिपुलेख पास है। सिक्किम में नाथुला और जेलेल पास सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, नाथुला से VBIA बहुत इंपॉर्टेंट है और बनिहाल भी VBIA बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो नाथुला और जेलेलपा सिक्किम है, ठीक है, सिक्किम में। अरुणाचल प्रदेश में कुछ पासेस हैं, बोमडिला, डीफू, यांगा, पांगसाव पास मैंने एग्जाम में कई बार क्वेश्चन देखा है, तो इसको भी एक बार ध्यान में रखिएगा। तो ये पासेस ऑफ हिमालय है, कुछ दर्रे हैं हिमालय के, इंपॉर्टेंट दर्रे हमने आपसे बात कर लिया है। अब आप अगर कभी क्वेश्चन बनाएंगे या कभी कुछ और किताबें कोई पढ़ेंगे, अगर आपको पढ़ने का जरूरत हो या कभी आप पढ़े, तो अगर कोई ऐसा पास मिल जाए जो आपको लगे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसी जगह कॉमा लगा करके जहां मिलेगा वहीं पे लिख लीजिएगा। वैसे मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना ही आप करके जाइएगा तो एग्जाम में ऑप्शन होते हैं ना, ऑप्शन से एलिमिनेट करके उसको आप छांट देंगे और आपको आंसर निकल जाएगा। अगर आप इतना पास याद रख लेना तो बाकी जो भी क्वेश्चन पूछे ऑप्शन में सब बन जाएगा, क्योंकि अगर आपको पता है कि ये कहाँ कहाँ है तो आप उसको ऑप्शन से एलिमिनेट करके निकाल लेंगे। तो ये इंपॉर्टेंटली हमने यहाँ पे आपको पासेस के बारे में बात कर लिया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपने कभी ना कभी इसके बारे में जरूर सुना होगा अगर आप गो थ्रू है। तो एग्जाम का क्वेश्चन बनाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सबसे पहले लगाइए, मैं हमेशा कहता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चन है उसको बनाइए, अगर कोई नहीं बन रहा है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हालांकि बनेगा सब, इसके लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमने आपसे क्या बताया, हमने आपसे हिमालय के बारे में थोड़ा सा आपको रिविजन कराया, पूर्वांचल पहाड़ी के बारे में हमने आपसे बात कर लिया, हिमालय के डिवीजन के बारे में बात कर लिया और कुछ पासेस के बारे में बात कर लिया। हम लोग बात कर लेंगे भारत के द्वीप के बारे में, आइलैंड ऑफ इंडिया के बारे में हम लोग बात कर लेंगे। तो आइलैंड ऑफ इंडिया के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आप देखेंगे कि प्रमुख रूप से भारत में जो आइलैंड है वो है अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप,
लक्षद्वीप, ये दो प्रमुख रूप से हैं। उसके बाद और भी छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जिसके बारे में चर्चा कर लेंगे, लेकिन ये प्रमुख रूप से इसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं अंडमान से, और जब हम अंडमान से शुरू करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि अंडमान का जो अंडमान जो द्वीप है, अंडमान ये सिर्फ अंडमान है, निकोबार नीचे है, जो कि दूसरे स्लाइड में हमने किया है आपको अच्छे तरीके से दिखाने के लिए, अच्छे तरीके से बताने के लिए। अंडमान जो द्वीप है उसके बारे में अगर हम बात करें तो वो अराकान योमा का एक्सटेंडेड पार्ट है, यानी कि अराकान योमा का क्या है, विस्तारित रूप है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जो लिखा है, इट इज एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ अराकान योमा रेंज। अराकान योमा रेंज कहाँ है, तो ये दरअसल भारत और म्यांमार के बीच में एक डिवाइडिंग रेंज है जो भारत को म्यांमार से अलग करता है। ये क्वेश्चन एग्जाम का आया है, कई बार पूछा हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा कि भारत को म्यांमार से कौन से रेंज अलग करता है, तो अराकान योमा। ये अराकान योमा आपने जब हिमालय पढ़ रहे थे, जब आप हिमालय पढ़ रहे थे तो उसके बाद जब आपने देखा था कि हमने पूर्वांचल की पहाड़ी के बारे में बात किया था, तो उसी पूर्वांचल की पहाड़ी का ही एक पार्ट है अराकान योमा, ठीक है, जो म्यांमार में पड़ता है, तो उसी पूर्वांचल की पहाड़ी का ही पार्ट है। और उसी अराकान योमा का एक्सटेंडेड रूप यानी कि नीचे तक जो विस्तारित रूप है वो क्या है, अंडमान है। तो ये एक पहला पॉइंट है जो हमने यहाँ पे आपको बता दिया। उसके बाद आप यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे जो मुख्य रूप से आइलैंड है वो है नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। ये मुख्य रूप से इसका आइलैंड है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान, साउथ अंडमान, मिडिल अंडमान और नॉर्थ अंडमान, ठीक है, मुख्य रूप से। और भी आइलैंड्स हैं जिसके बारे में चर्चा करेंगे, ये मुख्य रूप से है। तो जरा इसके बारे में हम लोग देखते हैं एक एक करके। देखो, ये है नारकोंडम आइलैंड और ये है बैरन आइलैंड। ये दरअसल दोनों वोल्केनिक आइलैंड है, यानी कि ज्वालामुखीय द्वीप है, ज्वालामुखीय द्वीप। नारकोंडम आइलैंड और बैरन आइलैंड ज्वालामुखीय द्वीप है। नारकोंडम जहाँ सुसुप्त ज्वालामुखी है, वहीं पे बैरन एक्टिव है, यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि बैरन जो है ना एक्टिव वोल्केनो है, एक्टिव, जबकि नारकोंडम क्या है, डोरमेंट है, सुसुप्त है, ठीक है, डोरमेंट है। और ये वोल्केनिक आइलैंड है, वोल्केनिक ज्वालामुखीय द्वीप है, ये के बारे में बात कर लिए। उसके बाद नॉर्थ अंडमान के बारे में हम लोग बात करते हैं कि सैडल पीक नॉर्थ अंडमान पे है, और ये क्वेश्चन एग्जाम का कई बार पूछा है कि नॉर्थ अंडमान में एक पीक है, एक पूरा पहाड़ी है जिसको बोलते हैं सैडल पीक, सैडल चोटी, जो नॉर्थ अंडमान में है। इसको भी आप एक बार ध्यान रखिएगा, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन आपको बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जो पोर्ट ब्लेयर राजधानी है और यहीं पर सेलुलर जेल है, दोनों पॉइंट। पोर्ट ब्लेयर जो राजधानी है और यहीं पे सेलुलर जेल है, वो दरअसल साउथ अंडमान का पार्ट है, साउथ अंडमान, ठीक है, ये किसका पार्ट है, साउथ अंडमान का पार्ट है। पोर्ट ब्लेयर और सेलुलर जेल दोनों साउथ अंडमान का पार्ट है। जितने अंडमान, जितने भी आइलैंड आपको दिख रहा है अंडमान में, उसमें सबसे बड़ा मिडिल अंडमान आइलैंड है, ये सबसे बड़ा है, ठीक है, बिगेस्ट है, बिगेस्ट आइलैंड। तो इसको जरा मैं कर दूं, बिगेस्ट आइलैंड है, बिगेस्ट आइलैंड है मिडिल अंडमान। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि सबसे बड़ा आइलैंड कौन है अंडमान निकोबार में, तो मिडिल अंडमान है, ठीक है, ये एक बात हो गया। उसके बाद हम सिर्फ एग्जाम के क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं मैप को आपको दिखा के, चूंकि आपको पता है कि ज्योग्राफी हम मैप से ही करते हैं, मैप से ही करना भी चाहिए ज्योग्राफी को। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे एक डंकन पासेज है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पता नहीं कितने बार पूछा है, बहुत बारी पूछा है डंकन पासेस को लेकर के। तो डंकन पासेस किसके किसके बीच में है, तो वो देखिए, लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान के बीच में डंकन पासेस है, ये बात मैंने आपको जरूर लिखा होगा। डंकन स्ट्रेट इज लोकेटेड बिटवीन साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान, इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन VVI है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है, इसलिए इसको नज़रअंदाज नहीं करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डंकन पासेस, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया है। अब अभी क्या हुआ है कि दो साल पहले आपके जो प्रधानमंत्री हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने यहाँ के तीन आइलैंड के नाम चेंज किए हैं, तीन आइलैंड का नाम चेंज किए, उसको आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, मैंने यहाँ पे लिखा है। हैवलॉक आइलैंड को नाम उन्होंने क्या कर दिया है, स्वराज। मैं फिर से बताऊँ, हैवलॉक आइलैंड का नाम उन्होंने कर दिया स्वराज।
नील आइलैंड का नाम कर दिया है उन्होंने शहीद शहीद, और रॉस आइलैंड का नाम कर दिया है सुभाष बोस। मैं फिर से बताऊं कि हॉवलॉक आइलैंड का नाम उन्होंने क्या कर दिया चेंज करके स्वराज, नील आइलैंड का नाम क्या कर दिया चेंज करके शहीद, और रॉस आइलैंड का नाम क्या कर दिया है चेंज करके सुभाष चंद्र बोस आइलैंड कर दिया है। तो ये तीन आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आइलैंड है जिसका नाम उन्होंने चेंज किया है, भारत सरकार ने चेंज किया है, इसको भी आप एकदम नज़रअंदाज नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 10 डिग्री चैनल। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है, VVI है, बहुत बार पूछा है। ठीक है, तो जो 10 डिग्री चैनल है वो किसके किसके बीच में है, तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार आइलैंड के बीच में है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा है, कई बार ही पूछा है। देखिए यहाँ पे लिटिल अंडमान है और यहाँ पे कार निकोबार है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में क्या है, 10 डिग्री चैनल है। ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। चलिए अब यहां पे हम लोग देखते हैं नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान इंपॉर्टेंट आइलैंड, ये बात हम लोगों ने कर लिया। वोल्केनो आइलैंड के बारे में बात कर लिया। सैडल पीक, माउंट हैरियट लोकेटेड ऑन साउथ अंडमान, तो साउथ अंडमान में माउंट हैरियट है वो लोकेटेड है, तो वो चीजें आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। चलिए पोर्ट ब्लेयर कैपिटल है, ये बात आप जानते हैं, और यहीं पे सेलुलर जेल भी है, मैं यहाँ पे लिख ही दूँ, सेलुलर जेल भी यहीं पे है, लिखा है मैंने शायद यहाँ पे निकोबार साउथ इंडिया सेलुलर जेल लोकेटेड है, हाँ तो सेलुलर जेल भी यहीं पे, डेंकन पासेस, और इसके बाद में मिडिल अंडमान इज द लार्जेस्ट, ये बात हमने यहाँ पे कर दिया है कि बिगेस्ट अंडमान है मिडिल अंडमान। ये बातें अंडमान के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया, अंडमान आइलैंड के बारे में बात कर लिया, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट का था उसको हम लोगों ने कर लिया एग्जाम के पॉइंट का। ठीक है, अब आगे देखते हैं अंडमान के बाद निकोबार के बारे में बात करते हैं। तो ये निकोबार है, ठीक है, और यहाँ से हम लोग बात कर ही लिए थे कि 10 डिग्री चैनल जो है ना लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर भी देख रहे थे, पीछे भी आप देख रहे थे, जानबूझ करके मैंने यहीं से शुरू किया है ताकि एक रेगुलरिटी बने रहे और आपको पता चले कि हाँ ये ठीक है। चलिए तो कार निकोबार से लेकर के और यहाँ पर इंदिरा पॉइंट तक ये निकोबार है, उधर अंडमान था। अब यहाँ पे चीज़ों को जब देखेंगे तो यहाँ के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि इंदिरा पॉइंट जिसको पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, यहाँ पे लिखा मैंने इंदिरा पॉइंट और पिग्मेलियन पॉइंट, ठीक है, लोकेटेड ऑन ग्रेट निकोबार आइलैंड, ये है इंदिरा पॉइंट जिसको पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट, साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया है, ये बात हमने आपको पहले बताया था कि भारत के सबसे दक्षिणतम है, और वो कहाँ स्थित है, तो ग्रेट निकोबार पे स्थित है, ग्रेट निकोबार पे, लोकेटेड ऑन ग्रेट निकोबार आइलैंड, ये बात है। तो माउंट फुलियर जो है ना हाईएस्ट पीक ऑफ निकोबार ग्रुप है, ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, और इंदिरा पॉइंट साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, इसके लिए यही एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कार निकोबार में। तो हम लोगों ने अंडमान और कार निकोबार के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे बात किया है थोड़ा थोड़ा, उसके बाद हम लोग सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात किए हैं, बहुत ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपके पास बहुत होगा और उसको कैरी करना एग्जाम तक लेके जाना ये भी अपने आप में एक चैलेंज होता है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं लक्षद्वीप का, लक्षद्वीप के बारे में हम लोग बात करते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। देखिए सबसे पहले तो लक्षद्वीप की लोकेशन क्या है, अरेबियन सी, अच्छा वहाँ पे अंडमान निकोबार का लोकेशन कहाँ है, बे ऑफ बंगाल, अंडमान निकोबार का लोकेशन है बे ऑफ बंगाल, गलती मत कीजिएगा, अंडमान निकोबार का लोकेशन है बे ऑफ बंगाल। लक्षद्वीप का लोकेशन कहाँ है, अरेबियन सी, और इसकी राजधानी कहाँ है, कावारत्ती। अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ थी, पोर्ट ब्लेयर, जो बात हम लोगों ने कर लिया था। ठीक है, ये बात हम लोगों ने कर लिया। अब मैंने आपको कहा था कि अंडमान निकोबार इज एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ अराकानियोमा, ये बात हमने आपको बताया था कि अंडमान निकोबार इज एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ अराकानियोमा, यहाँ पे दिखेगा, यानी कि वो पर्वतों की का ही एक आइलैंड है, लेकिन ये कोरल से बना हुआ आइलैंड है, यानी कि लक्षद्वीप किससे बना आइलैंड है, कोरल से, कोरल द्वीप से बना हुआ आइलैंड है, कोरल आइलैंड। यहाँ पर देखिए कोरल क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो होता ये है कि कोरल एक छोटे जीव होते हैं जो समूह में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, ये एक छोटे जीव होते हैं जो जिसको समूह में रहना पसंद है, समूह में,
ठीक है, इसको समूह में रहना पसंद है कोरल को, एक। दूसरा, कोरल का जो बाहरी आवरण होता है वो कठोर होता है, जैसे स्नेल का बाहरी आवरण देखा है ना आपने, स्नेल का कितना कठोर होता है, तो कोरल का बाहरी आवरण भी क्या होता है, कठोर होता है। दो पॉइंट हो गया, पहला तो ये समूह में रहना पसंद है जैसे मधुमक्खी रहती है, और दूसरा मधुमक्खी समूह में रहती है ना, घर उसका देखे हैं छत्ता। दूसरा, उसी तरीके से कोरल का बाहरी आवरण कैसा होता है, कठोर होता है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है उसका आउटर लेयर कोरल का, ठीक है, ये एक जीव है। तो क्या है कि समूह में रहना पसंद करते हैं ना, तो कोरल धीरे धीरे जब मरते जाते हैं, लेकिन इसके ऊपर में ये जमते चले जाते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि जब वो पानी के लेवल से ऊपर आ जाते हैं, पानी के लेवल, जरा मैं आपको पानी का लेवल यहाँ पे कर दूं, ये समझ लो पानी का लेवल, ठीक है, ये पानी का लेवल है, ठीक है, और ये क्या है, कोरल है। तो कोरल एक दूसरे के ऊपर, जो कि समूह में रहना पसंद है, तो एक दूसरे के ऊपर ऐसे ऐसे रहते हैं। अब अगर वो नीचे में मर भी गए, यानी कि कोरल खत्म भी हो जाता है, फिर उसके जो बाहरी आवरण कठोर है वो उसको उसको क्या करके रखता है, मजबूती से थाम के रहता है। इतना मजबूती से थाम के रखा है कि वहाँ पर पेड़ पौधे है, बसावट है, इंसान रहते हैं, जाते आते हैं लोग लक्षद्वीप में, आपको पता है ना। तो कोरल बहुत मजबूत प्राणी होते हैं। हालांकि आजकल जो पॉल्यूशन को लेकर के कोरल रीफ में भी लीचिंग हो रही है, यानी कि क्या बोलते हैं, उसमें भी प्रॉब्लम आ रहे हैं, लीचिंग बोलते हैं इसको, यानी वो अपरदन हो रही है, कोरल खराब हो रहे हैं, गवर्नमेंट इसको बचाने की कोशिश कर रही है। तो कोरल एक तरीके का जीव होता है, जीव, और उसी जीव के एक जगह इकट्ठा होने से जो आइलैंड का निर्माण हुआ है, ये वही आइलैंड है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप आइलैंड कोरल के बने हुए हैं। आप देखिए कितना सारा आइलैंड है लक्षद्वीप में, 36 आइलैंड, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा है, ठीक है, लक्षद्वीप में 36 आइलैंड है। तो 36 आइलैंड है, और 36 के 36 सभी के सभी क्या है, कोरल के बने हुए आइलैंड है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। दो पॉइंट जो एग्जाम का यहाँ पर ये क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम का आया है, 1, 2, 3, बहुत बड़ा आया है, VVI, तीनों VVI है। जरा मैं बताऊँ, आपने देखा था कि किस तरीके से 10 डिग्री चैनल जो है ना, 10 डिग्री चैनल जो है ना, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में पास होती है, उसी तरीके से 9 डिग्री चैनल मिनी क्वाय और कावारत्ती के बीच में पास होती है। यानी कि यहाँ पे मैंने लिखा मिनी क्वाय थोड़ो 9, कावारत्ती सेपरेटेड बाय मिनी क्वाय थोड़ो 9 डिग्री चैनल, ये बात मैंने लिखा है, तो इसको ध्यान रखिएगा, 9 डिग्री चैनल से क्वेश्चन आया है। और मिनी क्वाय सेपरेटेड बाय मालदीव थ्रू 8 डिग्री चैनल। अब यहाँ पे देखिएगा, इसके नीचे चूंकि मिनी क्वाय तो सबसे नीचे है, मैंने जगह बनाया नहीं, तो जगह अगर नहीं बनाया है तो आप एक अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये 8 डिग्री चैनल है, 8 डिग्री चैनल है, और इसके नीचे क्या है, मालदीव है, इसके नीचे मालदीव है बेटा, मालदीव देश का नाम सुना है ना। तो मालदीव और मिनी क्वाय के बीच में जो चैनल पास होती है वो 8 डिग्री चैनल है, और मिनी क्वाय और कावारत्ती के बीच में जो चैनल पास होती है वो 9 डिग्री चैनल है, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में जो चैनल पास होती है वो 10 डिग्री चैनल है। यहाँ पे डिग्री चैनल का मतलब क्या होता है कि 9 डिग्री 8 डिग्री 10 डिग्री चैनल, इसका मतलब ये होता है कि ये जो डिग्री है ये अक्षांश रेखा है, और अक्षांश रेखा का नाम ही चैनल दे दिया गया है, अक्षांश रेखा के नाम से ही उसका नामकरण कर दिया गया है, ठीक है। चूंकि यहाँ से 9 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है तो इसको 9 डिग्री चैनल कर दिया, कार निकोबार और लिटिल अंडमान के बीच से 10 डिग्री अक्षांश गुजरती है तो उसको 10 डिग्री चैनल नामकरण कर दिया। तो ये जो डिग्री चैनल है ना वो नामकरण है, अक्षांश के हिसाब से नाम रख दिया गया है। इसको लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हुईगा कि 9 डिग्री 10 डिग्री चैनल का क्या हिसाब किताब है, ये दरअसल अक्षांश रेखा है जिसके ऊपर नामकरण किया गया। तो कावारत्ती हो गया यहाँ पे, इस पूरे आइलैंड का सबसे बड़ा जो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा आइलैंड है वो है एंड्रोट, जो लक्षद्वीप आइलैंड का समूह है उसका सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, एंड्रोट है। और आप जानते हैं कि केरला के नज़दीक है लक्षद्वीप, आपको पता है वहाँ जाने के लिए आपको केरला से जाना पड़ेगा। तो ये लक्षद्वीप के बारे में हमने कुछ बात कर लिया, उससे पहले अंडमान के बारे में बात कर लिया था, और उसके बाद हम लोगों ने क्या निकोबार के बारे में बात कर लिया था। अब अलग कुछ अलग आइलैंड है उसके बारे में बात कर लेते हैं, कुछ अलग तरीके के आइलैंड्स हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए कुछ ऐसे आइलैंड्स हैं अलग अलग, उसके बारे में बात करते हैं। बे ऑफ बंगाल में, जो बे ऑफ बंगाल में तो आपको पता है कि अंडमान और निकोबार है, अंडमान और निकोबार है, लेकिन उससे भी अलग
सागर आइलैंड है हुगली में, है ना, ये क्वेश्चन हो सकता है पूछ ले कि बे ऑफ बंगाल में या सागर आइलैंड न्यू मोर आइलैंड कहाँ है, तो वो चीज़ें आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है वेस्ट बंगाल। पंबन आइलैंड कहाँ है, बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में पंबन आइलैंड है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, नोन एज रामेश्वरम आइलैंड, इसको रामेश्वरम आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है पंबन आइलैंड को। ठीक है, श्रीहरिकोटा नाम सुना होगा आप लोगों ने, आंध्र प्रदेश में है, जहाँ पे सेटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर है इसरो का, श्रीहरिकोटा। ठीक है ना, बिल्कुल। व्हीलर द्वीप, इसका भी नाम खूब सुना होगा, उड़ीसा में है, अभी इसका नाम कर दिया गया है APJ अब्दुल कलाम आइलैंड, अब्दुल कलाम आइलैंड कर दिया गया इसका नाम। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से मिसाइल टेस्टिंग सेंटर है, दोनों को समझिएगा। श्रीहरिकोटा से आपका सैटेलाइट है, सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर है, और व्हीलर द्वीप से, चांदीपुर का जो व्हीलर द्वीप है जिसको अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया, वहाँ मिसाइल टेस्टिंग है। ठीक है, अब्दुल कलाम और मिसाइल एक दूसरे को कोरिलेट करके इसको याद कर सकते हैं। लोकेटेड अरबियन सी में, अब देखते हैं कि कौन कौन से आइलैंड लोकेटेड है, तो मुंबई, मुंबई भी एक आइलैंड ही है महाराष्ट्र में, एलिफेंटा केव आइलैंड ऑफ घरपुरी इसको कहा जाता है, लेकिन एलिफेंटा केव भी एक आइलैंड ही है। वेलिंगटन आइलैंड केरला में है, आर्टिफिशियल आइलैंड है, इसी पे नौका रेस होता है हर साल, जो नौका रेस होता है ना, जवाहरलाल नौका रेस जो ट्रॉफी है उसी इसी पे होता है, वेलिंगटन आइलैंड पे। सर क्रीक रन ऑफ कच्छ में है, और कोरी क्रीक रन ऑफ कच्छ में है जो गुजरात में है, आपको पता है गुजरात। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया है, कैसे बना है नहीं बना है उसके बारे में भी बात हम लोगों ने कर लिया है। हम लोग बात करने वाले हैं रिवर्स ऑफ इंडिया के बारे में, हम लोग भारत की नदियों के बारे में बात करने वाले हैं। थोड़ा सा देखते हैं कि भारत की नदियों को हम लोग किस तरीके से पढ़ेंगे, एक तरीके का एक सिलेबस है ये, हालांकि नदियाँ बहुत सारी हैं, लेकिन उसमें से बहुत सारे नदियों के बारे में हम नहीं भी बात करेंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट नदियाँ जिसके बारे में हम बात जरूर कर लेंगे, खास करके जो यहाँ पे पॉइंट आउट किया गया है नदियों को, उनको हम तो एक बार जरूर देख लेंगे। तो हम लोग भारत की नदियों को दो भागों में बांट के पढ़ते हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि एक है हिमालय की नदियाँ और दूसरा पेनिनसुलर रिवर की नदियाँ, यानी कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियाँ, इसको दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। आप भी इसी तरीके से इसको दो भागों में बांट लीजिए, अपने कॉपी में इसको इस तरीके से लिख लीजिए, ये एक तरीके का आपका सिलेबस भी हो गया और आप इसको नदियों को देखने का एक तरीका भी हो गया कि किस तरीके से नदियों को हम देखते हैं। देखिए, हिमालय से निकलने वाली नदियों की जब हम बात करें तो उसमें सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, हालांकि ये तीन ही नदी निकलती है क्या हिमालय से? नहीं, ये गलत है। इंडस रिवर सिस्टम है गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये एक रिवर सिस्टम है। रिवर सिस्टम का मतलब क्या होता है कि सिंधु अपने सिस्टम में सबसे बड़ी नदी है और उसकी बहुत सारी सहायक नदी है, जैसे झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास, तो ये सारे सिंधु के सहायक नदियां हैं। ठीक उसी तरीके से गंगा अपने सिस्टम की सबसे बड़ी नदी है और उसकी कुछ सहायक नदी है, जैसे गंडक है, कोसी है, उसके बाद सोन है, क्या बोलते हैं, यमुना है, जो सबसे लंबी सहायक नदी है गंगा की, तो ये गंगा की सहायक नदी हो। उसी तरीके से ब्रह्मपुत्रा है जो अपने सिस्टम की सबसे बड़ी नदी है, और फिर तिस्ता है, लोहित है, सुवर्णसिरी है, धनसिरी है, ये सारे इनकी सहायक नदियां हैं। तो सिर्फ ये तीन नदियां ही नहीं है जो इन हिमालय से निकलती है, बल्कि ये रिवर सिस्टम है, इनके साथ ट्रिब्यूटरीज हैं, वो सारे भी हिमालयन रिवर से ही है जो हिमालय से निकलने वाली नदियां ही हैं। तो उन सारे नदियों को हम यहाँ पे पढ़ेंगे एक एक करके, हम देखेंगे कितना ज्यादा हम इसको टेकअप कर सकते हैं। एक दूसरा, हम पेनिनसुलर रिवर के बारे में जब बात करते हैं तो वैसे नदियां जो प्रायद्वीपीय भारत से निकलती है, यानी कि जो प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्र में बहने वाली नदियां हैं, जिसमें हम इसको दो भागों में बांट दिए हैं। प्रायद्वीपीय भारत के नदियों को भी हमने दो भागों में बांटा है, आप भी इसी तरीके से बांट लीजिएगा, एक और दो। वो कौन कौन सा है? एक है जो बे ऑफ बंगाल की तरफ बहती है, यानी कि बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है, और दूसरा जो अरब सागर की तरफ बहती है, यानी कि अरबियन सी की तरफ बहती है। तो हमें ये ध्यान में रखना होगा, और इससे क्या होगा कि हमें पढ़ने में आसानी हो जाता है जब इस तरीके से हम किसी चार्ट को ऑर्गेनाइज तरीके से देखते हैं। ऑर्गेनाइज तरीके से देखने का मतलब क्या है कि जब हम पढ़ेंगे तो पहले वो पढ़ेंगे जो भारत की तरफ बे ऑफ बंगाल की तरफ बहती है, फिर हम वो पढ़ेंगे जो अरबियन सी की तरफ बहती है, या दोनों में से कोई भी पहले पढ़ सकते हैं। लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो अरबियन सी की तरफ बहने वाली सारी नदियों को समाप्त कर लेंगे, फिर बे ऑफ बंगाल की तरफ बहने वाली सारी नदियों की तरफ
को समाप्त कर लेंगे। इससे क्या होगा कि एक तरफ बहने वाली नदियों के कुछ कंसेप्ट एक जैसे होते हैं जो सारे नदियों पे अप्लीकेबल होते हैं, तो वो हमारा एक साथ अप्लीकेबल हो जाएगा, हमारे दिमाग में हमेशा के लिए वो बैठा रह जाएगा। ये भी एक तरीका होता है। तो हमेशा जो चार्ट होगा ना आपका, वो ऑर्गेनाइज होना चाहिए, और मैंने ऑर्गेनाइज तरीके से इसे किया है, तो आप भी अपनी कॉपी में इस तरीके से कर लीजिए। जैसे कि मैं फिर से एक बार आपको बता दूं कि रिवर को आप दो भागों में बांट दीजिएगा, रिवर सिस्टम को, एक हिमालयन रिवर सिस्टम होगा और दूसरा आप कर लीजिएगा पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। फिर पेनिनसुलर रिवर सिस्टम को दो भागों में बांट दीजिएगा, एक होगा जो बे ऑफ बंगाल की तरफ नदियां बहती है और जो दूसरा होगा वो होगा जो अरब सागर की तरफ नदियां बहती है, वो कर लीजिएगा। तो फिर चूंकि हमने हिमालय की तरफ बहने वाली नदियों के बारे में बात कर लिया है, तो अब हम यहाँ पे बे ऑफ बंगाल की तरफ अगर बहने वाली नदियों के बारे में बात कर ले, तो आप देखेंगे कि सुवर्णरेखा, ब्राह्मणी नदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, बह गई, ये सारे के सारे नदियां हैं वो बे ऑफ बंगाल की तरफ बहती है, बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है। उसके बाद जब अरबियन सी यानी कि अरब सागर की तरफ बहने वाली नदियों के बारे में बात करते हैं, तो नर्मदा, तापी, साबरमती, माही, लूनी, ये सारी नदियां हैं ना वो अरब सागर की तरफ बहती है, अरब सागर की तरफ। अच्छा देखिए, इसमें से कुछ नदी हो सकता है छूट जाए, तो उसको लेकर के बिल्कुल भी चिंता नहीं कीजिएगा, क्योंकि जो भी नदी हमने यहाँ पे लिखा है वो बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस रिवर्स को हमने यहाँ पे लिया है, ठीक है ना। और इसमें से हम लगभग सभी नदियों को पढ़ने वाले हैं, लगभग सभी नदियों के बारे में बात हम लोग करने वाले हैं एक एक करके। तो ये हमारा डिजाइन हुआ एक छोटा सा, इसको सिलेबस मान लीजिए और एक ऑर्गेनाइज तरीके से, अरेंज तरीके से एक नदियों का बंटवारा भी आप यहाँ पे समझ लीजिए। तो ये नदियों का बंटवारा है, सिलेबस है, सब है, इसी के हिसाब से हम इसको चलने वाले हैं भारत के नदियों के बारे में। अब ये तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन का पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं कि पेनिनसुलर रिवर और हिमालयन रिवर, हम दो भागों में नदियों को बांटे हैं, तो ये है क्या, क्यों इसको दो भागों में बांटा गया। पहले पॉइंट तो ये कि ऐसा क्यों है कि हम इन दोनों को पेनिनसुलर रिवर और हिमालयन रिवर जैसे नदियों में बांटा गया, ऐसा क्या कैरेक्टर है जो दोनों को अलग अलग करती है, दोनों नदियों को अलग अलग करती है। तो देखिए यहाँ पे मैंने बहुत सारे कैरेक्टर लिखे हैं यहाँ पे, और इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आसान होगा, बहुत आसान होगा इसको समझाना। सबसे पहला कैरेक्टर एक एक करके ध्यान दीजिएगा कि क्यों दोनों अलग है हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर के बारे में। सबसे पहला पॉइंट है कि ये न्यू रिवर सिस्टम है, यानी कि हिमालय से निकलने वाली जितनी भी नदियां हैं कंपेरेटिवली, किसके कंपेरेटिवली, पेनिनसुलर रिवर के, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के कंपेरेटिवली क्या है, नया है, नया है, न्यू है। हिमालय से निकलने वाली नदियां प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियों के कंपैरिजन में क्या है, नया है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां कि क्या है, पुराना है हिमालय की नदियों के कंपैरिजन में। अब ये नया पुराना का चक्कर कैसा है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। दरअसल जो प्रायद्वीपीय भारत अपने देश में है वो बड़ा ही पुराना सेटलमेंट है, बहुत ही पुराना पत्थरों और बहुत ही पुरानी चट्टानों के बने हुए, जो गोंडवाना लैंड का है जिसको हमने बात किया था, अफ्रीका से टूट के आया है। तो जब यहाँ पे पुरानी चट्टानों का बना हुआ है, जब ये पुराना बसावट है चट्टानों का, तो यहाँ पे जीव जंतु या यहाँ पे जो पेड़ पौधे, यहाँ का जो नदियां होंगी, वो सब क्या होगा, पुराने होंगे, पुराने प्रकार के होंगे, इस बात को समझिएगा, ठीक है, वो नए नहीं होंगे। तो चूंकि यहाँ की बसावट, यहाँ की बनावट ही पुरानी है, तो यहाँ की नदियां भी क्या होंगी, पुरानी होंगी, सिंपल बात है। और चूंकि हिमालय बना ही नया है, हिमालय तो खुद यंग फोल्ड माउंटेन कहलाता है, यंग फोल्ड माउंटेन आपने पढ़ा है ना, हिमालय यंग फोल्ड माउंटेन कहलाता है, तो यहाँ की जितनी भी बनावट होगी वो तो नई ही होगी ना। तो हिमालय की नदियां यंग होती है इन कंपैरिजन टू, या नया है इन कंपैरिजन टू पेनिनसुलर रिवर। अब जैसे पेनिनसुलर अगर प्लाटेऊ आपने पढ़ा था, तो आपने पढ़ा था अरावली, अरावली पढ़ा था, और आप अरावली के बारे में आपने पढ़ा था कि ये ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड है, मतलब वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड है, ये बात आपने पढ़ा था। तो जब वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड है, तो इसका मतलब है कि यहाँ के जो नदियां होंगी, यहाँ के जो चट्टाने होंगे, यहाँ की जो बसावट बनावट होंगी, वो तो पुरानी होंगी। तो ये एक पुराना और नया का कंसेप्ट हमने आपको दिया। दूसरा क्या है कि हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं वो
बारहों मासी है, यानी कि वो सालों भर बहता है, उसमें सालों भर पानी है, ठीक है। तो बारह मासी है, इसको बारह मासी भी बोलते हैं या इसको सालों भर बहने वाली बोलती है, सालों भर बहने वाली होती है सालों भर, लेकिन ये सालों भर बहने वाली नहीं होती है पेनिनसुलर रिवर की। क्यों? देखो, हिमालय से जो नदियां निकलती है वो ग्लेशियर, किसी न किसी ग्लेशियर से निकलती है। ये भी बात मैंने आपको जरूर लिखा होगा, मैं आपको समझा दूंगा। किसी न किसी ग्लेशियर से निकलती है, तो उस नदियों में ग्लेशियर के पिघले हुए पानी उस नदियों के पानी की अवस्था को बनाए रखती है, यानी कि पानी उसमें परिपूर्ण ढंग से बनी रहती है। लेकिन जब हम पेनिनसुलर नदियों रिवर के नदियों के बारे में बात करते हैं तो वहां पे पानी की अवस्था बनी नहीं रहती है, क्योंकि वो ग्लेशियर से नहीं निकलती है। कोई बर्फ पिघला करके वहां पे पानी की व्यवस्था नहीं करती है, वो तो सिंपल पर्वत पठार से निकलती है। तो वहां पे पानी की जो लेवल है वो सालों भर एक जैसे नहीं होती है, सालों भर नहीं बहती है। कोई कोई नदी तो बिल्कुल ही सूख जाती है पेनिनसुलर रिवर की, मैक्सिमम रिवर बिल्कुल सूख जाती है पेनिनसुलर रिवर की, कुछ ही नदियों में सालों भर पानी रहता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि जो पेनिनसुलर रिवर होंगे वो नॉन पेरिनियल होगा और ये सालों भर इसमें सदाबहार पानी होंगे, सालों भर पानी यहाँ पे बहता हुआ मिलेगा, सालों भर पानी होगा, क्योंकि वहां ग्लेशियर से पानी पर्याप्त मात्रा में मिलती रहती है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्लेशियर, यानी कि ग्लेशियर से निकलती है, ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्लाट्यू और माउंटेन, ये कोई प्लाट्यू पठार या पर्वत से निकलती है, ग्लेशियर से नहीं निकलती है, इस वजह से यहाँ पे सालों भर पानी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे पानी बारिश से भी होती है, प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है बरसन, ठीक है। यहाँ पे पानी वर्षा से भी मिलती है, वर्षा, ये यहाँ भी पानी वर्षा से मिलती है। और आपको मालूम है कि भारत में सबसे ज्यादा वर्षा साउथ वेस्ट मानसून से होती है, फिर कुछ लौटते हुए मानसून से बारिश होती है, और उसके बाद प्री मानसून बारिश गर्मी के दिनों में होता है वहां वर्षा प्राप्त होती है, ठंडे के दिनों में थोड़ा सा वर्षा प्राप्त होती है, वो भी वेस्टर्नली डिस्टर्बेंस से। ये बात हम जलवायु में आपको पढ़ा देंगे एक बार, लेकिन मैंने आपको जानबूझ के बता दिया है। क्यों? क्योंकि हमें बताना है कि नदियों में वर्षा से भी पानी प्राप्त होती है, दोनों ही प्रकार की नदियों में वर्षा से प्राप्त होगी। अब इसमें कोई ऐसा तो नहीं है कि बारिश होगा तो वो देख के होगा कि चलो ठीक है प्रायद्वीपीय भारत में हम नहीं होते हैं वर्षा, उत्तर भारत में हो लेते हैं, ऐसा कुछ तो नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि वर्षा से भी पानी प्राप्त करते हैं दोनों प्रकार की नदियां, लेकिन पहले प्रकार की नदियां यानी हिमालय प्रकार की नदियां की अगर बात करें तो वो ग्लेशियर से भी पिघले हुए पानी को प्राप्त करती है, जिससे वहां पानी की मात्रा ज्यादा होती है इन कंपेरिजन टू पेनिनसुलर रिवर्स, ठीक है ना। चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में कि रिवर पासेस थ्रू गॉर्ज। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पासेस थ्रू की तरह जगह हम बना दे कि मेक, यानी कि नदियां जो है ना गॉर्ज बनाती है, ठीक है, नदियां गॉर्ज बनाती है। कौन सी नदियां? जब हम हिमालय की नदियों की बात करेंगे तो, लेकिन ये नदियां गॉर्ज नहीं बनाती है, दरअसल ये एक स्टेबल नेचर की होती है, स्टेबल नेचर की। अब इस दोनों को थोड़ा सा समझते हैं, इसको समझिए, जैसे कि एग्जांपल मैं समझाता हूँ, इसको आराम से समझिएगा, ठीक है, फिगर बना करके मैं समझाने की कोशिश करूंगा, बड़ा आराम से समझिएगा। जैसे कि मान के चलो कि ये नदियों का फ्लो है, ये नदियों का क्या है, फ्लो है, नदी इस तरीके से बह रही है। नदी जब इस तरीके से बह रही है तो इसके रास्ते में क्या है कि एक पर्वत सा बनने का पूरा रुकावट आ गया, पर्वत बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई या कोई पर्वत आ गया, तो ये नदी क्या करेगी, इसको काटना शुरू करेगी। काटना मैं दूसरे कलर से ले लेता हूं, इसको काटना शुरू करेगी, ठीक है। अब इसको काटते काटते इस जगह पे, इसको काटते काटते यहां पे एक गड्ढा बना देगी भी आकार की खाड़ी,
भी आकार की खाड़ी बना देगी, ठीक है, ये नदी क्या बना देगी, भी आकार की खाड़ी, और इसी को कहते हैं गॉर्ज, इसी को क्या कहते हैं गॉर्ज। अब इसमें क्या है कि चूंकि ये तो काटती जा रही है जमीन को और ये इस तरफ पर्वतों का निर्माण होता जा रहा है, यानी कि ये ऊंचे की तरफ उठता चला जा रहा है, ये ऊंचाई की तरफ उठता चला जा रहा है, ठीक है, ठीक है, ऊंचाई की तरफ उठता चला जा रहा है और ये कटाव करते चला जा रहा है, ये कटाव करते चला जा रहा है, ये काटते चला जा रहा है, ये काटते चला जा रहा है, और इससे क्या होगा कि इस जगह पे गॉर्ज का निर्माण हो जाएगा और दोनों तरफ इस तरीके से घाटी बन जाएगा, इस तरह से घाटी बन जाएगा दोनों तरफ इस तरीके से, और नदियां इन घाटी से गुजरती हुई चली जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे गॉर्ज बन जाएगा, गॉर्ज, गॉर्ज क्या होता है, एक घाटी होता है, जैसा कि मैंने बताया ये नदियां बह रही हैं और यहाँ पे गॉर्ज है और नदियां फिर यहां से ऐसे करके निकल जाएंगी, ठीक है, नदियां फिर यहां से ऐसे करके निकल जाएंगी। तो ये गॉर्ज हो गया, भी आकार की घाटी बन जाता है ऐसे करके, आपने देखा होगा ऐसे करके, तो वही बात है, तो ये रिवर गॉर्ज बनाती है। अब चूंकि ये नदियां स्टेबल इन नेचर होता है, स्टेबल इन नेचर का मतलब क्या होता है कि चूंकि इतनी पुरानी नदियां हैं कि वो अपने रास्ते में बह बह करके अपने लिए एक तय कर लिया है रास्ता, ठीक है, अपने लिए एक पाथ को तय कर लिया है, तो वो कटाव ज्यादा नहीं करेगी या नौ के बराबर करेगी, समझ लीजिए कि नहीं करेगी, तो जब कटाव नहीं करेगी तो गॉर्ज बनाएगी नहीं। एक दूसरा, पेनिनसुलर का जो सिस्टम है, पेनिनसुला जो इंडिया है वो पर्वतों पे है, यानी कि वो चट्टानों पे है, तो रिवर्स ज्यादा उसको नहीं काट पाती है, ये भी बात है, और रिवर चूंकि पुरानी भी है तो वो काट काट करके अपना पुराना रास्ता तय कर लिया है, अब उसी रास्ता में आराम से वो बैठती है, बहती रहती है, तो इसके जो फ्लो है वो स्टेबल है, यानी कि उसका नेचर जो है बिल्कुल क्या है, स्टेबल है, वो ज्यादा इधर उधर नहीं करेंगी, जबकि ये बनाती है। उसी दौरान यानी कि इसके फ्लो में ही मिएंडर, मिएंडर जिसको आप मिएंडर बोलते हैं, ये बनाती है, और ये मिएंडर नहीं बनाती है पेनिनसुलर रिवर, जबकि हिमालय रिवर क्या कहते हैं, मिएंडर बनाती है, इसको हिंदी में बोलते हैं विसर्प, विसर्प बनाती है और ये विसर्प नहीं बनाती है। अब जरा विसर्प को देखते हैं, विसर्प क्या होता है, इसको थोड़ा मैं हटाता हूं, ठीक है, जैसे देखिए हम विसर्प आपको समझाते हैं, ये क्या है, ये रिवर है, ठीक है, ये रिवर सिस्टम है, ये रिवर सिस्टम है, और ये जो आपको गोल से दिख रहा है ऐसा करके बनाए, इसी को विसर्प बोलते हैं। ये बनता कैसे है, इस कॉन्सेप्ट को समझिए, जैसे कि खास करके बाढ़ के दिनों में रिवर्स का क्या एक कल होता है कि जब बाढ़ के दिनों में धाराएं बहती हैं तो एक तरफ अगर वो अपने एक बैंक को, एक एक बैंक को काटेगी तो उसके ठीक सामने वाले बैंक पे क्या करती है, डिपॉजिट करती है, ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पे ये काटती है, यहाँ पे अगर ये काटती है इस जगह पे, तो ठीक उसके सामने में, मैं दूसरे कलर से कर दूं, इस जगह पे ये डिपॉजिट करेगी, इस जगह पे डिपॉजिट करेगी, तो हरा जो है ना वो डिपॉजिट का है, ब्लू जो है ना काटने का है, तो अगर आप उसको फिर से देखिए तो ब्लू में लेकर इसको यहाँ पे टकराई, यहाँ पे काटी, फिर यहां से आएगी और यहां टकराएगी, यहां पे काटेगी, लेकिन डिपॉजिट कहाँ करेगी, यहां से आके यहाँ डिपॉजिट करेगी, यानी कि इस जगह पे डिपॉजिट करेगी। तो इससे क्या होता है कि नदियों के जो बैंक है उसकी जो चौड़ाई है उसमें परिवर्तन होते रहता है, और यही परिवर्तन विसर्प का कारण बनता है। तो ये परिवर्तन मैं आपको दिखाऊंगा कैसे होगा, देखिए कैसे होता है परिवर्तन, मैं दूसरे कलर से पहले मैं इसको पूरा कर लूं, ठीक है, अब यहां पे ऐसे आई तो यहां पे काटेगी और यहां पे क्या करेगी, डिपॉजिट कर देगी, ठीक है, फिर यहां पे काटेगी, अपने सामने में डिपॉजिट कर देगी, ठीक है। अब देखिए ये परिवर्तन धारा में कैसे होता है, मैं दूसरे कलर से धारा का परिवर्तन, रेड कलर से धारा का परिवर्तन कर लेता हूं। अब चूंकि ये बैंक है तो अब ये काटने के बाद बैंक कैसा होगा वो हम बताते हैं। देखो यहां पे काटा, काटा और यहां डिपॉजिट किया, फिर यहां पे काटा और यहां डिपॉजिट किया, हो गया,
अब इसी धारा को उधर से कर देते हैं, ठीक है, इसी रे इसी कलर में। देखो यहां पे आ रही थी, यहां डिपॉजिट हो गया तो यहां पे ऐसे आ गया, यहां पे आ रही थी, अब चूंकि यहां पे काटेगी तो यहां पे ऐसे चली जाएगी, और फिर यहां ऐसे जाएगी जाएगी जाएगी, और चूंकि यहां पर तो डिपॉजिट भी हो रहा था, इधर जाएगी, काट रहा है तो इधर जाएगी, तो ये यहां पे देखो ये ऐसे आएगी, और चूंकि यहां डिपॉजिट हो रही है तो यहां पे ऐसे आएगी, और फिर यहां काट रही है तो यहां पर ऐसे चली जाएगी, और फिर ये इस तरीके से। तो कहने का मतलब है कि जो पुराना नदी की रास्ता है वो येलो कलर का है, जो नया नदी का रास्ता है वो मैंने मैरून कलर से लिया है। इसको देखिए, तो येलो कलर का रास्ता यहां था, चूंकि यहां काटा तो इसकी धारा कहां आ गई, यहां आ गई, और चूंकि यहां डिपॉजिट की गई तो इसकी धारा कहां, यहां से यहां आ गई, इस जगह पे आ गई। तो ये जो बनाया मैंने यही विसर्प है, यानी कि नदी अपने रास्ते में कटाव करते हुए और डिपॉजिट करते हुए चलती है, एक बैंक पे कटाव करेगी दूसरे बैंक पे डिपॉजिट करेगी, तो नदी के आकार बिल्कुल सर्पीला हो जाता है, सर्पीला सांप जैसे चलता है ना वैसा हो जाता है, तो इसलिए उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मेंडर विसर्प। और ये हिमालय नदी बनाती है, चूंकि हिमालय की नदियों में अभी यंग है, उसमें स्पीड है, और वो ज्यादातर मैदानी भाग से निकल में बहती है, निकलती तो पहाड़ी से है लेकिन मैदानी भाग में बहती है, तो वहां पे कटाव करना और डिपॉजिट करना उसके लिए आसान हो जाता है, इसलिए बड़ी तेजी से ये चीजें करती हैं। और आप जानते हैं कि इसमें भारत में सबसे ज्यादा जो फेमस है कटाव करने और डिपॉजिट करने में वो क्या है, कोसी नदी है, इसलिए एग्जाम का क्वेश्चन भी बनता है कि सबसे ज्यादा मार्ग परिवर्तन कौन सी नदी किया है, तो कोसी नदी ने किया है, ठीक है, ये क्वेश्चन आप ध्यान में रखिएगा। तो ये विसर्प बनाती है, जबकि पेनिनसुलर रिवर की नदियां विसर्प नहीं बनाती है, क्योंकि वो तो स्टेबल इन नेचर है, ठीक है, वो अपने मार्ग में आराम से अपने रास्ते जो बना के रखी है आज से हजारों करोड़ों अरबों वर्ष पहले, उस रास्ते पे अपना आराम से वो चल रही है, उसको चल रही है। अच्छा ये मत समझिए कि नई है तो 100 वर्ष पुराना है, नहीं, नई का मतलब ये 1-2 लाख वर्ष पुराना है, ये अरबों वर्ष पुराना है, ये अंतर है, या ये करोड़ वर्ष पुराना होगा तो ये अरबों वर्ष पुराना है। चलिए आगे बात करते हैं, हिमालय की जितनी भी नदियां हैं जो हिमालय से निकलती है, ऑलमोस्ट सभी नदियां डेल्टा बनाती है, ऑलमोस्ट, मैं सभी नदियों की बात तो नहीं कह सकता हूं, क्योंकि बहुत सारी नदियां दूसरी नदी में मिल जाती है, दूसरी तीसरी नदी में मिल जाती है, तो इस हिसाब से, लेकिन डेल्टा बनाती है, जैसे गंगा, जैसे ब्रह्मपुत्र, ये क्या है, डेल्टा बनाती है, सुंदरबन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है आप जानते हैं, और बाकी जितनी नदियां सब इसकी ट्रिब्यूटरीज ही कहीं ना कहीं है, ठीक है। चलिए, एक पेनिनसुलर रिवर की नदियां भी डेल्टा बनाती है, पेनिनसुलर रिवर की नदियां भी डेल्टा बनाती है, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये भी डेल्टा बनाती हैं, लेकिन कुछ नदी एस्चुरी भी बनाती है, यानी कि ज्वार नदमुख भी बनाती है, ज्वार नदमुख, वो कौन सी नदी है, तो नर्मदा, तापी, ये नदियां क्या है, ज्वार नदमुख बनाती है। यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं कि कौन सी नदी है जो ज्वार नदमुख बनाती है, तो नर्मदा और तापी। जब हम नर्मदा तापी पढ़ाएंगे तो फिर से यही बात मैं आपको बताने वाला हूं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये क्या है, ज्वार नदमुख बनाती है, नर्मदा और तापी। तो पेनिनसुलर रिवर में डेल्टा भी बनाती है नदियां, और क्या बोलते हैं, एस्टुरी भी बनाती है। पेनिनसुलर रिवर की नदियां रिलेटिवली स्मॉलर बेसिन की होती है, यानी कि बहुत बड़ा विशाल नहीं होता है, जबकि हिमालय की नदियां विशाल होता है, उसका जो वास, उसकी जो बेसिन है वो बहुत बड़ा होता है, बेसिन मतलब जहां पे रिवर फ्लो कर रहा है जिस जगह, ठीक है, वो बहुत चौड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, हिमालय की नदियों के बारे में बात कर रहे हैं, इन कंपैरिजन टू पेनिनसुलर रिवर, पेनिनसुलर रिवर की नदियां बेसिन का है छोटा होता है, ठीक है, ये बात समझ में आ गया। तो ये नॉर्मली डिफरेंस था हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर के बारे में, एक छोटा सा डिफरेंस था। इससे पहले हम लोगों ने क्या बताया था, हिमालय रिवर को अच्छे तरीके से हमने अरेंज करके सजाया था। तो अब हम लोग एक एक करके नदी को पढ़ेंगे, ठीक है, इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम से हम चीज़ों को शुरू करेंगे, फिर पेनिनसुलर रिवर में इंडिया में आएंगे, और फिर उसको हम यहाँ पे शुरू करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं इंडस रिवर सिस्टम, ठीक है, चलिए देखिए, ये है इंडस रिवर सिस्टम, यानी कि सिंधु नदी तंत्र, जो कि आपके सामने में दिखाई दे रहा है, यह है इंडस रिवर सिस्टम, सिंधु नदी तंत्र, जो आपके सामने में दिखाई दे रहा है, मैंने यहां पे लिख दिया है इंडस रिवर सिस्टम। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस मैप को अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है
तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन गौर से अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको अच्छे तरीके से समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा इस मैप को, ठीक है। ये जो व्हाइट कलर का आपको दिख रहा है ये भारत का मैप है, ये भारत का है, और व्हाइट के बाद जो दूसरे कलर है वो नदियों को लेकर के है। तो मैं क्या करूंगा कि आपको इंडस रिवर सिस्टम भी समझाऊंगा और इंडस के जितने भी सहायक नदी है उसको भी समझाऊंगा, ठीक है, यहाँ पे। और मैप पे मैं अपना पेन चलाऊंगा। पेन चलाने से क्या होगा कि आप उसी जगह पे अपना कंसंट्रेशन रखेंगे जहां पे पेन चलेगा, इधर उधर मत देखिएगा, क्योंकि इधर उधर देखने के चक्कर में फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर से आप गड़बड़ा जाएंगे। तो मैं ये चाहता हूं कि आप हमारे पेन के साथ बने रहें, उसके बाद फिर आप देखिएगा कि कितना मजा आएगा, आपको सिस्टम एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हम लोग इंडस रिवर सिस्टम शुरू करते हैं। तो इंडस पे ही मैप चलाते पेन चलाते हैं। देखो ये इंडस है और मैं यहां पे पेन चला रहा हूं। हमको लगता है आपने देख लिया इसको, ठीक है। चलिए जहां पे मैंने पेन चलाया है उसी को सिर्फ ध्यान से देखेंगे और अलग कहीं नहीं देखेंगे, प्लीज प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है। तो मैंने जहां पेन चलाया है वो दरअसल इंडस रिवर है। वो कौन सा रिवर है? इंडस। मैं यहाँ पे लिख देता हूं सिंधु नदी या इंडस रिवर है, सिंधु नदी तंत्र है या इंडस है, ठीक है, इंडस रिवर है, ठीक है ना। जहां पे मैंने पेन चलाया है उसको ध्यान से रखिएगा। और ये जो पॉइंट है जहां से मैंने शुरू किया है ये दरअसल इसका ओरिजिन है, यानी कि यहां से ये निकलती है इंडस, ये क्या है, इसका ओरिजिन है। फिर आगे बढ़ते हुए जहां पे एंट्री कर रही है, मैं सब बताऊंगा ओरिजिन कहां है, चलो मैं बताते चलता हूं। इसका ओरिजिन है, ओरिजिन कहां है, नियर मानसरोवर, नियर मानसरोवर बोखरचू, लेक, ठीक है, मानसरोवर के पास बोखर, ये सब लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, ठीक है। मानसरोवर के पास बोखरचू लेक से ये निकलती है, मानसरोवर के पास बोखरचू लेक से ये निकलती है। कहां है मानसरोवर? तिब्बत, मानसरोवर तिब्बत में है, ठीक है। मानसरोवर कहां है? तिब्बत में है, देखिए, है ना। तो मानसरोवर तिब्बत में हो गया। अब चलिए, अब यहां पर जब ये यहां से निकलती है, ध्यान दीजिएगा, और इस जगह से जब ये आगे बढ़ रही है तो यहां पे एक बार देखिएगा, इस जगह पे भारत में इंटर करती है, इस जगह पे, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा, इस जगह पे भारत में इंटर करती है। और ये कौन सा जगह आपको मालूम है? ये जगह का नाम मैं आपको बताता हूँ, ये पासेज बिटवीन, मैं आपको लिखा हुआ सब मिल जाएगा, मैं बताता हूँ। पासेज बिटवीन, देखो ये जास्कर और ये लद्दाख, तो ये मैं ऐसे बना देता हूं, ये लद्दाख है और ये जास्कर है। तो लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच से ये क्या करती है? पास होती है। लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच से क्या करती है? पास होती है। और फिर भारत में इंटर करती है, चूंकि लद्दाख में आप जानते हैं कि यूनियन टेरिटरी बना दिया गया लद्दाख को और कश्मीर को दो को, ठीक है, तो हम जम्मू एंड कश्मीर तो नहीं कह सकते हैं, तो लद्दाख में इंटर करती है लद्दाख से, और लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच से बहती है। ये क्वेश्चन एग्जाम का है कि लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच से बहती है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये लद्दाख है और ये जास्कर है, जास्कर श्रेणी के बीच से बहती है, ठीक है। और ये बहती हुई यहां पर देखिएगा, इस जगह पे गिलगित के पास, या फिर ये जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वहां पे ये पाकिस्तान में इंटर कर जाती है, ठीक है, पाकिस्तान में इंटर कर जाती है। और पाकिस्तान में फिर बहती हुई जाके कहां गिर जाती है? अरब सागर में। तो इसका एंड पॉइंट क्या है? तो यहाँ पे लिखता हूँ, एंड पॉइंट अरबियन सी है। आप इस तरीके से अपने कॉपी में बना सकते हैं, इन पॉइंट अरबियन सी है, अरब के सागर में जाकर क्या होती है? ये गिर जाती है, अरबियन सी इन पॉइंट, ठीक है ना, इंडस का। तो देखो निकली कहां से? मानसरोवर से,
मानसरोवर से निकली बोखर चुलेख से और गिरी कहां जाकर के अरबियन सी में, ठीक है ना। इसका टोटल लंबाई 2800 किलोमीटर के आसपास 2880 है, ठीक है। इसको थोड़ा सा एक बार ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछेगा, आपको सब लिखा हुआ मिल जाएगा, उसको लेकर के परेशान नहीं हो। ठीक है, इसका टोटल किलोमीटर कितना है, 2880 किलोमीटर है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जब आपने इंडस को देख लिया, ये इंडस देख लिया, ठीक है ना, समझ में आ गया कहां से निकलती है, क्या है, नहीं है, किसके किसके बीच में बहती है, ये भी कौन से रीजन से बहती है, तो लद्दाख के क्षेत्र से भारत में बहती है, ठीक है। अब अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो इसके बहुत सारे आप सहायक नदी दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से मैं कुछ इंपॉर्टेंट सहायक नदी को यहाँ पे आपको कोट कर दूं और अलग अलग कलर से इसको दिखा दूं। तो मैं यहाँ पे कलर अलग लेता हूँ, ग्रीन कलर, ठीक है, ग्रीन कलर लेता हूं, आपको दिखाई दे देगा। देखिए ये है सियोक, सियोक इसकी सहायक नदी है एक, और ये गिलगित, गिलगित इसकी सहायक नदी है दो, ध्यान रखिएगा, सियोक और गिलगित इसकी सहायक नदी है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, और ये लद्दाख में बहती है, ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। चूंकि गिलगित हमारे पास नहीं है, यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के अंतर्गत आता है, हम तो मानते हैं कि हमारा ही है, लेकिन उन्होंने कब्जा कर रखा है, हम ये कहते हैं और हम कहते रहेंगे। तो चूंकि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में गिलगित है, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम का जरूर बनेगा या बना भी है कि इनमें से कौन सी सहायक नदी है, और जो फेमस सहायक नदी आप जानते हैं झेलम और चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, वो ना दे करके आपको दे देगा गिलगित और सियोक, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो गिलगित और सियोक इसके सहायक नदी है, जो कि आपको दिखाई में दे रहा है, ध्यान में एकदम देख लीजिएगा किस जगह पे है, कैसे है, ठीक है। बाकी मैं आपको लिखा हुआ यहाँ पे हर चीज है, बस आप मैप देखिए, और अगर कहीं मैप से आप ठीक से कर लिए ना, तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, जिस तरीके से मैं मैप बना रहा हूं, आप अगर उस तरीके से खींच दिए तो, क्योंकि मैं जितना आपको यहाँ पे दिख रहा है ना ऐसा करके, वैसा कुछ करने वाला नहीं हूं, बड़ा आसान तरीके से बनाऊंगा। चलिए उसके बाद अगला सहायक नदी जो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूं वो देखिए, अगला सहायक नदी है झेलम। मैं यहाँ पे कलर थोड़ा सा चेंज कर दूं, अगला सहायक नदी है झेलम, जो चेनाब में जाकर के मिल जाती है। देखो कहां इंड हो रही है, चेनाब में, देखो ये चेनाब है ना, चेनाब में इंड हो रही है, यहां से निकलती है, अब सब मिल जाएगा लिखा हुआ कहां से निकलती है, कहां इंड होती है, बस आप देख लीजिए, ये है झेलम, जो हमने आपको यहाँ पे बताया, ये झेलम है। अब ये झेलम है, उसके बाद आप देखिए चेनाब, चेनाब कहां से निकलती है, चेनाब भी बनाया था मैं, चेनाब सीधे सतलज में जाके मिलती है, चेनाब सीधे कहां जाके मिलती है, सतलज में, सीधे सतलज में जाके मिलती है, ये चेनाब है जो नीचे वाला हमने बनाया, झेलम के बाद चेनाब है। उसके बाद आप देखिए, मैं आपको बताता हूं रावी, ये है रावी, रावी नदी, और उसके बाद देखिए ये है ब्यास, जिसको बीज बोलते हैं, बीज, जिसको वैदिक एज में विपासा कहते थे, विपासा, ये है ब्यास, और ये है द वेरी फेमस, जिसमें सबसे ज्यादा एग्जाम का क्वेश्चन पूछा गया है, सतलज, ये भी मानसरोवर के नजदीक से निकलती है, राकाश ताल से, ये है सतलज, तो ये सतलज है। मुझे लगता है कि आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं एक छोटा सा छोटा छोटा चीज को यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा मिटाता हूँ, क्योंकि ये चीजें आपको परेशान करेंगी, इसलिए मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है। चलिए, तो ये यहाँ पे आपको दिखाई दे दिया।
अब ये सहायक नदी मैंने सिर्फ कितना बताया, 1, 2, 3, 4, 5 और ऊपर में स्योक और गिलगित 7, बस यही 7 सहायक नदी मैंने आपको बताया है इंडस का, और इसी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे और बाकी इधर का छोड़ देते हैं। अगर इधर का भी आप देखना है तो आप सिंपल बस एक काबुल देख लीजिए, काबुल और गोमल देख लीजिए बस, अगर पाकिस्तान का देखना है तो। उसके लिए भी कोई जरूरी नहीं है, उसके लिए भी कोई जरूरी नहीं है, बाकी सबको छोड़ दीजिए, बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है, बाकी और कुछ नहीं है। तो ये इंडस रिवर सिस्टम का पूरा फोटो है, पूरा का पूरा फिगर है। मैंने इंडस को छोड़ करके किसी के बारे में नहीं बताया कि ओरिजिन क्या है, मिलती कहाँ है और उसका लेंथ क्या है, ये सब आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, उसको लेकर के टेंशन नहीं है। ये है कि बस आप इस मैप को देखिए और मैप के साथ जिए और फिर लिखा हुआ तो आपको सब मिल ही जाएगा। तो ये पॉइंट आप समझिएगा कि कहाँ से इंडस निकलती है, ओरिजिन नियर मानसरोवर है, ठीक है। सतलज से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछते, उसका भी ओरिजिन मानसरोवर के पास से ही है, ठीक है। रकासताल जो कि मैंने आपको बताया लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ये आपका पूरा का पूरा मैप है इंडस रिवर सिस्टम का। आप भी इसी तरीके से मैप को उतना ही खींच लीजिए जितना मैंने आप पेन चलाया है, जितना मैंने पेन चलाया है। अब लिखा हुआ आपको सब मिल जाएगा और उसी को हम देख करके आपको बताते हैं और मैप के ऊपर आपको फिर से लाते हैं। सबसे पहले इंडस की बात हम लोगों ने किया, ठीक है, किसका यह देखो ये मैप है। सबसे पहले हम लोगों ने इंडस के बारे में बात किया तो हमने क्या कहा कि इसको माउथ इन तिब्बत भी कहते हैं, यानी कि सिंघी कम्बन भी कहते हैं, सबसे पहला पॉइंट। उसके बाद इसका टोटल लेंथ 2880 है, ये बात हमने आपको पहले ही बता दिया है कि 2880 इसका टोटल लेंथ है, ठीक है, ये 2880 इसका टोटल लेंथ है, ये बात हमने आपको पहले ही बता दिया है। लेकिन 2880 में आपने देखा कि भारत में इसकी जो लंबाई है वो कम है, पूरा लंबाई मैक्सिमम लंबाई किसके पास है, पाकिस्तान में बहती है, जो कि आपने मैप में देखा कि इस जगह पे आकर के ये पाकिस्तान से में चली आती है। मैंने यहाँ पे एक मार्किंग भी लगा दिया था, ठीक है ना, और यहाँ पे ये भारत में इंटर करती है, ये चाइना का पॉइंट है यानी कि तिब्बत का पॉइंट है, ये इंडिया का पॉइंट है और ये पाकिस्तान का पॉइंट है, ठीक है। पूरा मैप आपको दिखाई दे रहा है, अच्छे तरीके से दिख रहा है ना, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है यहां से यहां तक भारत में बहती है और वो 1100 किलोमीटर के लगभग है, 1114 किलोमीटर है, ठीक है ना, उससे ज्यादा नहीं है। मैक्सिमम वो पाकिस्तान में है, कुछ थोड़ा सा चाइना में है, ठीक है, 700-800 किलोमीटर चाइना में है। चलिए निकलती कहां से, तो बोखरचू ग्लेशियर से मानसरोवर, ये बात हमने आपको पहले बताया कि मानसरोवर से निकलती है, बोखरचू लेक या बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है। फ्लो बिटवीन लद्दाख एंड जास्कर, यहाँ पर हमने बताया था कि ये लद्दाख है, यहाँ पे लिखा भी है मैंने, और यहाँ पे जास्कर है, इसके बीच में ये क्या करती है, बहती है। इट फॉर्म गॉर्ज नियर गिलगित एरिया, यहाँ पर देखिए इस जगह पे और यहाँ पर भी, दोनों जगह ये गॉर्ज का निर्माण करता है, ये गिलगित का एरिया है, यहाँ पर गॉर्ज का निर्माण, चूंकि ये हिमालय को काट करके और तब पाकिस्तान में इंटर किया, ये हिमालय की पूर्ववर्ती नदी कही जाती है। कुछ हिमालय की पूर्ववर्ती नदी है जैसे इंडस है और सतलज है, ये हिमालय की पूर्ववर्ती नदी है, हिमालय से पुरानी नदी है, हिमालय से पहले बहने वाली नदी है। एग्जाम का क्वेश्चन अपने नोट में लिख लीजिए, जो मैं बोल रहा हूँ अपने नोट में लिख ही लीजिए अभी, कि हिमालय की पूर्ववर्ती नदी है, हिमालय से पुरानी है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा तो आप गलती मत कीजिएगा कि सर हिमालय रिवर तो हम पढ़ रहे हैं लेकिन हिमालय से पुरानी कैसे हो गई, चूंकि वो पहले वहां बह रही थी, हिमालय का निर्माण बाद में शुरू हुआ तो हिमालय के काट करके और अपने रास्ते पे वो बहते रहा, तो जहां भी हिमालय को काटा है वहां पे गॉर्ज का निर्माण कर दिया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि चूंकि वो नदी बहती है और किस तरीके से जब कटाव करना शुरू करती है, दूसरी तरफ पर्वत बढ़ते रहते हैं और कटाव करते करते गॉर्ज का निर्माण कर देती है, ये बात हमने आपको बताया था। तो हिमालय की ये पूर्ववर्ती नदी है, इसको देखिएगा, तो क्या करती है, गॉर्ज का निर्माण करती है। एक दूसरा कहां गिर जाती है, अरबियन सी में, मैंने आपको बताया था कि इंड पॉइंट इसका क्या है, अरब सागर है, यहां पर देखो बताया मैंने, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज देखिए इसका क्या है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, देखो झेलम, चेनाब, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास,
सतलज, ये इसके सहायक नदी है, स्योक, स्योक, गिलगित, क्या बोलते हैं, काबुल, गोमल, ये इसके कुछ सहायक नदी है। देखो झेलम, चियां, रावी, ब्यास, सतलज, खुर्रम, खुर्रम तो मैंने नहीं लिखा, न दिखाया है, सियोक, गोमल, गिलगित, ठीक है। सियोक को इट इज कॉल्ड रिवर ऑफ डेथ, सियोक को रिवर ऑफ डेथ कहते हैं, ये जो नदी है, ये सियोक रिवर ऑफ डेथ। ये क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में बने, हो सकता है एग्जाम में बने, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो ये यहाँ पे हमने इंडस रिवर के बारे में थोड़ा सा बात आपसे किया, इंडस रिवर के बारे में। अब यहाँ पे देखते हैं एक एक नदी को। सबसे पहले झेलम, सॉरी, सबसे पहले हम लोग झेलम की बात करते हैं। इसका ओरिजिन देखो कहाँ है, बेरीनाग या शेषनाग, कहाँ ओरिजिन है, बेरीनाग या शेषनाग, कहाँ मिलती है, चेनाब में। इसका लेंथ कितना है, 725 किलोमीटर, और इसके ऊपर कोई डैम बनाया है, मंगला डैम, यही एग्जाम का क्वेश्चन बनेगा, यही एग्जाम का क्वेश्चन बनेगा। अब यहां पर देखिए, ये चीज आपने देख लिया है, तो ये झेलम है, इसका ओरिजिन कहां है, बेरीनाग, बेरीनाग, इसका ओरिजिन कहां है, बेरीनाग, ठीक है। इसका इंड पॉइंट कहां है, यहां पे है इंड पॉइंट, ये चेनाब है, छोड़े इसको लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो इसका ये इंड पॉइंट है, टोटल लंबाई 725 किलोमीटर, इस पे मंगला डैम है, ये एग्जाम का क्वेश्चन आपका बनेगा। उसके बाद बात करते हैं हम लोग चेनाब नदी का। चेनाब का ओरिजिन क्या है, बारालाचा पास, जास्कर रेंज के पास, बारालाचा पास। लेंथ कितना है, 1180, बहुत लंबी नदी है, एग्जाम का क्वेश्चन बन सकता है, बना भी है। ज्वाइन कहां, सतलज। इस पे डैम क्या है, दुलस्ती, सलाल और बगलिहार, ये डैम एग्जाम का क्वेश्चन बना है चेनाब नदी पे, दुलस्ती, सलाल और बगलिहार, एकदम एग्जाम का क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिएगा अपने कॉपी में। चेनाब नदी के बारे में मैं आपको दिखाता हूं, मैंने क्या कहा था, चेनाब निकलती कहां है, यहां से निकलती है, जास्कर से, जास्कर से निकलती है, बारालाचा पास से निकलती है। तो बारालाचा पास जानते हैं, हिमाचल, हिमाचल प्रदेश में है बारालाचा पास, बारालाचा पास कहां से, हिमाचल प्रदेश में है। मिलती कहां पे है, देखो यहां पे मिलती है, इसका सतलज में आकर के क्या मिल जाती है, चेनाब मिल जाती है, ठीक है, सतलज में मिल जाती है। यहां पे चेनाब को मैं ऐसे कर दूं थोड़ा सा हल्का सा, सतलज में आकर के चेनाब मिल जाती है, हो गया ना। चलिए तो ये देख लीजिए, दुलस्ती, सलाल और बगलिहार, ये जरूर आप एक बार ध्यान में रख लीजिएगा, दुलस्ती, सलाल और बगलिहार एक बार जरूर ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं रावी। अब यहाँ पे देखते हैं कि रावी का ओरिजिन कहाँ है, रोहतांग पास। रावी नदी को पहले ढूंढते हैं, रावी नदी कहाँ है, ये है रावी, और इसकी जो ओरिजिन है रोहतांग पास है, रोहतांग, और ब्यास की भी ओरिजिन रोहतांग ही है, यानी कि रावी ब्यास दोनों की ओरिजिन क्या है, और रोहतांग, दोनों की ओरिजिन रोहतांग है, जो हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और इसका रावी का इंड पॉइंट चेनाब है, जबकि ब्यास का इंड पॉइंट सतलज है। देखिए ये ब्यास है, मैं हल्का सा ब्यास को ऐसे कर दूं और रावी को मैं हल्का सा ऐसे कर दूं, ठीक है। तो ये रावी है, ब्यास है, रावी का इंड पॉइंट चेनाब है, जबकि ब्यास का इंड पॉइंट क्या है, सतलज है, इस बात को ध्यान रखिएगा। दोनों का रावी पे रंजीत सागर बांध बना हुआ है, रावी पे रंजीत सागर बांध, ये क्वेश्चन एग्जाम का बन जाएगा, जबकि ब्यास पे पोंग डैम है, या ब्यास डैम इसको बोलते हैं। लेंथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके नहीं है, बस सबसे इंपॉर्टेंट जो सतलज से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है उसके बारे में बात कर ले। ये सतलज है, और ये निकला कहाँ है, नियर मानसरोवर राकस्ताल, राकस्ताल, ठीक है। मानसरोवर राकस्ताल से सतलज निकली है, और लंबी नदी है, ये पूर्ववर्ती नदी है, यानी कि हिमालय से पूर्व की नदी, हिमालय से पूर्व की नदी है, और इसी सतलज नदी पर गोविंद सागर बांध भी बना हुआ है, गोविंद सागर बना हुआ है डैम,
गोविंद सागर डैम बना हुआ है, इसी सतलज नदी पे गोविंद सागर डैम बना हुआ है। भाखड़ा नांगल डैम भी इसी में बना है, जो एग्जाम का सबसे बड़ा क्वेश्चन बहुत बार पूछ दिया है। चलिए, तो गोविंद सागर हो गया और भाखड़ा नांगल भी मैं लिख देता हूँ डैम, नहीं यहाँ पे लिखा हुआ भाखड़ा नांगल तो मैं क्यों लिखूंगा, ठीक है। भाखड़ा नांगल डैम ऑन गोविंद सागर लेक, ये बात मैंने आपको लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये यहाँ पे सतलज है जो पूर्ववर्ती नदी है, यानी कि आकर के यहाँ पे मिल जाती है इंडस में, ठीक है। पूर्ववर्ती नदी है, हिमालय से पूर्ववर्ती नदी है, और इंडस में जहां मिलती है उस जगह है मिठानकोट। इंडस में जहां मिलती है उस जगह क्या नाम है, मिठानकोट। तो एक बार ध्यान में रखिएगा कि जो जितने भी नदियां आपने यहां पर देखा उसको एक बार आप बना लीजिए। ये आप देखिए सारी नदियां कहीं ना कहीं आकर के किस में मिल रही है, इंडस में। ये इंडस है ना, ये इंडस है। सारी नदियां कहीं ना कहीं किससे मिल जाकर मिल रही है, इंडस में, यहां पे आकर के इस जगह पे आकर के इंडस से मिल रही है जितनी भी नदियां हैं वो, ठीक है ना। इस बात को समझ में आ गया, मैं इसको ऐसे करके कर दूं, और सॉरी इस जगह पे, और इस जगह का क्या नाम है, मिठानकोट। मिठानकोट है इस जगह का नाम। और ये जो इतना दूर आपको दिखाई दे रहा है, ये बीच में जो एक छोटा सा इतना सा दूर आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग जो दिखाई दे रहा है, इसको पंचनद बोलते हैं। इसको पंचनद बोलते हैं, इतना जो यहाँ पे मिलन है वो, और जो यहाँ पे मिला वो, इस दोनों के बीच में, इसको पंचनद बोलते हैं, पंचनद, ठीक है ना। चलिए, तो इस पॉइंट को आप एक बार देख लीजिएगा, इधर को इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। इस पॉइंट को एक बार आप देख लीजिए, ये जो यहाँ पे नदी है और यहाँ पे इस तरीके से इंडस गिर गया है, तो इसको आप एक बार मैप में बना लीजिए, और बाकी जो चीजें लिखा है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। चलिए, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे भारत की नदियों के बारे में, जिसमें मैंने बताया था कि दो तरह की नदियां हैं भारत में, एक हिमालयन रिवर, दूसरा पेंसुला रिवर। हिमालयन रिवर के बारे में बताया, फिर मैंने कहा कि पेंसुला रिवर को दो भाग में बांटते हैं, एक जो अरब सागर की तरफ बहती है और दूसरा जो बे ऑफ बंगाल की तरफ बहती है। उसके बाद हमने आपको बताया कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, अरब सागर की नदियां और बे ऑफ बंगाल की नदियों के बीच में डिफरेंस क्या है, सारे डिफरेंसेस को अच्छे से किए। उसके बाद हमने आपको पूरा इस मैप को अच्छे तरीके से कवर किया कि क्या है, नहीं है, कहाँ से क्या निकलती है, नहीं निकलती है। और फिर हमने एक एक नदी के बारे में बताया कि इंडस के बारे में पॉइंट्स हमने आपको बताया, फिर झेलम के बारे में बताया कि कहाँ से निकलती, फिर झेलम के बारे में बताया कहाँ से निकलती है, कहाँ मिलती है, मंगला डैम चिनाब के बारे में बताया, बड़ा लाचा पास कहाँ मिलती है, और कौन कौन से दूरस्थी सलाल परियोजना इसके ऊपर में है। फिर हमने इस तरीके से किसके रावी के बारे में बताया, किसका ओरिजिन कहाँ है, ये इस पे कौन सा डैम है, ब्यास के बारे में बताया ओरिजिन क्या है, कौन सा डैम है, सतलज के बारे में बताया, रकासताल डैम क्या है, भाखड़ा नांगल डैम गोविंद सागर लेक पे है, 1450 किलोमीटर का है, और ये एंटीसेंडेंट रिवर है, यानी कि पूर्ववर्ती नदी है, हिमालय से पहले की नदी है। इस पे नाथवा झाकड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी है, किस पे है, सतलज नदी पे, ठीक है। तो ये सतलज नदी की बात हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया। तो यहाँ पे हमने इंडस और इंडस की ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात किया, फिगर दिखा करके आपको अच्छे तरीके से बात किया, फिगर बना लीजिएगा और उसको अच्छे तरीके से एक बार देख लीजिएगा, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो हमें जरूर आप बताइएगा। अगली बार हम लोग बात करेंगे गंगा और गंगा की सहायक नदियों के बारे में, फिर से वही फिगर दिखा करके, फिर से मैप को अच्छे तरीके से आपको समझा के, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।